देखिए, सरकारें समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर दो दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने ज़िलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, सबकी विस्तार से जानकारी दी है और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने ज़िले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोगों को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार की योजना है उसको 100% ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी ज़रूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। और कल एसपीज भी आएंगे तो प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी कल चर्चा होगी। पिछली सरकार में एक स्कूल जतन योजना चलाया गया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूलों के लिए 5-5 लाख रुपया सेंक्शन किया गया था। उसमें जो डैमेज हैं उनका मरम्मत करना था या कहीं पर अगर कमरे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं तो उनको डिसमेंटल करके उनके जगह पर नया कक्ष बनाना था, लेकिन जैसे हमको जानकारी मिली है पूरे प्रदेश में इसका बंदरबांट हुआ है और इस पर हम लोग जाँच भी बैठाए हैं, जाँच रिपोर्ट भी आना है और अगर ये स्कूल जतन योजना सही तरीके से क्रियान्वित हो गया होता तो आज जो आप लोग समाचार में देते हैं कि कहीं पर प्लास्टर गिर गया, बच्चे घायल हो गए या कहीं पर छत से पानी टपक रहा है, ये नौबत नहीं आती। लेकिन ऐसे दोषीदार लोगों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जो मतलब पैसों का दुरुपयोग किए।